करके मॉडर्न लाइफ की वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसके मुख्य कारण होते हैं पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन, डस्ट, स्मोक, इससे भी बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। और लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है, इतना ज़्यादा रश में रहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सेहत का ध्यान ढंग से नहीं रख पाते हैं। बहुत प्रकार के मल्टीविटामिन्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, इसके बावजूद भी हमेशा उनको थकान लगी रहती है, कमज़ोरी लगती है, सुस्ती लगती है, आए दिन कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं, इम्यूनिटी पुअर हो रहती है जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, जोड़ों में दर्द, सूजन की समस्या रहती है, या कई लोगों को ब्लड शुगर की परेशानी रहती है, ओबेसिटी हो जाती है, नींद नहीं आती है। कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं, हमारे खान पान से, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की जुड़ी हुई होती हैं। तो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आज आप सभी से मैं एक ऐसे ताकतवर बीज के बारे में बात करूँगी, एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करूँगी जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स अवेलेबल रहते हैं, सप्लीमेंट्स हैं जिनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि डुप्लीकेसी भी हो जाती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपको मल्टीविटामिन्स आपने जो मंगाए हैं उसके बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करूँगी जो महंगे से महंगे मल्टीविटामिन्स को फेल कर सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसको आप यूज़ करके महंगे से महंगे मल्टीविटामिन के खर्चे से अपने आप को बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सेहत को आप सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें जिससे कि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा वो अमेजिंग सुपर फूड है जो कि महंगे से महंगे मल्टीविटामिन को फेल कर सकता है। तो आज मैं आप सभी से बात करूंगी हलीम सीड के बारे में, जिसको हम गार्डन क्रेस के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुपर फूड होता है, अमेजिंग होता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि इसमें विटामिन होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जितने भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जैसे कि इम्यूनिटी पुअर रहती है या बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है या फिर शुगर की समस्या या ओबेसिटी की समस्या या आपका पेट सही से साफ नहीं रहता है, कब्ज आपको हो जाता है, तो सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हलीम सीड के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस तरीके से हमारी सेहत के लिए टॉप टू बॉटम हमको ये हेल्प कर सकता है। सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, फाइबर से भरपूर होता है, तो इसकी वजह से इसको आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है, कब्ज की समस्या में आपको आराम दिलाता है, पेट में गैस भरना, अपच, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग को ख़त्म करता है। दूसरा इसका जो इंडिकेशन होता है ये आपको ओबेसिटी से भी दूर रखता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर आप इसको खाते हैं तो इसको खाने से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहती है और बार बार जो आपको क्रेविंग होती है फूड्स के लिए वो आपको नहीं होगी, पेट आपको हमेशा भरा हुआ लगेगा। इसको खाने से आपका वेट भी मैनेज रहता है। तीसरा इसका इंडिकेशन होता है ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, कि आपको आप जब खाना खाते हैं खाना खाने के बाद सडन शुगर स्पाइक जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद इसका फोर्थ हेल्थ बेनिफिट होता है ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट होता है इसमें मिनरल्स बहुत रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, इसमें विटामिन बहुत एनरिचमेंट पाए जाते हैं जैसे कि इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी है या फिर आपको प्री मेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर है, समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसको भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में कोई इश्यूज़ रहता है जैसे कि आपको एक्जिमा की परेशानी है या इचिंग हो जाती है या फिर आपको रैशेज़ हो जाते हैं या ही आपको मुहासों की समस्या रहती है, उसको भी ख़त्म करता है। इसमें विटामिन ई एनरिच अमाउंट में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
इसके साथ ही साथ इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, प्रोटीन बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, तो हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसके अंदर हार्मोन्स को भी बैलेंस करने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसको अगर रेगुलर आप सेवन करते हैं तो मेंसेस क्रैम्प्स में, एब्डोम इररेगुलर पीरियड अगर आपको है, या फिर अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो एक ऐसा अमेजिंग सुपर फूड होता है, एक अमेजिंग सीड होता है, जो कि माना जाता है कि दुनिया का सबसे सर्वोत्तम सीड होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अब बात कर लेते हैं इसको लेने का तरीका क्या होता है। तो आप हलीम सीड को मार्केट से खरीद सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको भिगो करके भी खा सकते हैं या फिर आप इसकी खीर बना करके भी खा सकते हैं। तो दोनों रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 2 चम्मच हलीम सीड को 1 कटोरी पानी में रात भिगो करके आपको रख देना है। सुबह मॉर्निंग में इसको खाली पेट चबा चबा करके खा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता आप इसकी खीर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पैन में 250 ml दूध लेना है, उसको बॉयल करना है, फिर इसमें आपको हलीम सीड मिला देनी है। बाकी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, जो भी, वो आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप अच्छे से बॉयल करिए, उसके बाद इसको ठंडा कर लीजिए। फिर 1 कटोरी में इस खीर को आप ले लीजिए और ऊपर से आप मिश्री का पाउडर आता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 1 कटोरी आपको डेली खाना है, आप ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। आप इसको जब खाएंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, जैसे कि आपको लो इम्यूनिटी की परेशानी थी, सर्दी जुकाम हो जा रहा था, फीवर हो जा रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपके बॉडी में कहीं पेन है, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन रहती थी, वो ठीक होने लग जाएगी। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके बालों की जो समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, उसमें आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन की जो भी इश्यूज़ रहते हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस सुपर फूड के बहुत सारे बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इसको डेली अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन हलीम सीड के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।